मातृत्व के आवास प्रोग्राम में राजधानी दिल्ली के वर्तमान परिदृश्य पर सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। मैं अभी बिल्कुल इंडिया गेट के पास मौजूद हूँ और राजधानी दिल्ली की यदि मैं बात करूँ तो मेरे बिल्कुल 20 मीटर की दूरी पर वो इंडिया गेट जहाँ पर 3 अमर जवान ज्योति लगातार जलती रहती है, और वो गेट जहाँ पर जब पूर्व में देश के लिए जब कोई सैनिक शहीद होता था तो उसका नाम उस पर लिख दिया जाता था, वो इंडिया गेट। और 2400 घंटे एक अमर जवान ज्योति जलती रहती है, और गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, तमाम पूरे देश की झांकियां इस सड़क से गुजरती है, जिस सड़क का नाम अब कर्तव्य पथ रखा गया है। और आज की डेट में बीजेपी के द्वारा सबसे बड़े जो 3 काम किए गए हैं जब से बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, मेरे सामने की तरफ बना हुआ परमवीर चक्र विजेता युद्ध स्थल और सैनिक स्मारक का सामने की तरफ भव्य और दिव्य निर्माण किया गया है। उन सैनिकों के बारे में विस्तृत लिखा गया है जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, जो शहीद हुए हैं उनका पूरा ब्यौरा उस सैनिक स्थल में मिलता है। इसके अलावा यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो मेरे सामने की तरफ राष्ट्रपति भवन, वहां पर भी पूर्व में मुगल गार्डन, यानी मैं यदि नॉर्मल भाषा में बात करूं राष्ट्रपति का बगीचा, जहां पर कि 15 एकड़ जमीन में कई अलग अलग टाइप के ग्रीनरी हर्बल प्लांटेशन किए गए हैं, कई टाइप के फ्लावर्स, कई टाइप की सब्जी से लेके तमाम अलग अलग कलरफुल और अनेकों 300 से अधिक प्रजाति के पौधे उस गार्डन में मिलते हैं, और वर्तमान में उसका नाम अमृत उद्यान रखा गया है। उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है क्योंकि मुगल गार्डन मुगल के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए उसका नाम इस साल चेंज कर दिया गया। देखिए आज राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट और नया संसद भवन जो मेरे सामने की तरफ बना हुआ इंडिया गेट, और कई जगहों पर सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय हिंद, जय भारत।